स मिल नाउ बी रिकॉर्डेड द पॉइंट नंबर वन इज डेटा हमारा एक होता है डेटा एंड डेटा फॉर्मेट अगर हम बात करते हैं डेटा की फॉर्मेट की तो डेटा है ना इसके दो फॉर्मेट होते हैं यानी कि दो टू टाइप्स का हमारा डेटा होता है ना द वन डेटा इज लुक लाइक अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट एंड सेकेंड जो डेटा फॉर्मेट होता है ना वो होता है हमारा अनस्ट्रक्चर और सेकेंड जो फॉर्मेट होता है वो अनस्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो डेटा होता है ना वो ऑलवेज स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर फॉर्मेट सेव इन आर डेटाबेस डेटाबेस कि अंदर हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा सेव होता है और यहां पे जो डेटाबेस हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आरडीएस रिलेशनल डेटा बेसिस यूज होता है वो होता है आरडीएस बट एक हमारा होता है अनस्ट्रक्चर डेटाबेस अनस्ट्रक्चर का मतलब है किसी भी फॉर्मेट का डेटा जो कि हमारा स्टोर कहां पे होता है सेव इन स्टोरेज और स्टोरेज के लिए यहां पर जो हमारा है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं गाइस वो हम पढ़ने वाले हैं एस थ्री एंड ई एफ एस यहां पे जो हम स्टोरेज पढ़ने वाले हैं वो हम एस थ्री और ई एफ एस इसके अलावा एक और यहां पे डेटाबेस है वन मोर डेटाबेस इज अवेलेबल जो आपका स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर हर चीज को सपोर्ट करता है जिसको गाइस हम बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस जो आरडीएस है नो एसक्यूएल डेटाबेस सपोर्ट स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर हर टाइप के डेटा को सपोर्ट करता है जिसको गाइस हम बोलते हैं डायनमोटी यानी कि डायनामो डीबी आपका क्या है नो एसक्यूएल डेटाबेस है ठीक है टेबल के फॉर्मेट में ही रखता है बट वो किसी भी फॉर्मेट का हो like लाइक कि मैंने यहां पर कुछ डेटा फॉर्मेट बना रहा हूं लाइक दिस इज वन टू एंड थ्री नाउ कि गाइस मैंने यहां पे पहला फॉर्मेट बनाया नेम एल ओसी लोकेशन एच दूसरा फॉर्मेट मैंने यहां पे बनाया लाइक अ नेम एज फोन नंबर तीसरा स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया लाइक like अ तीसरी मैंने जो डेटा अपना बनाया लुक लाइक अ नेम, स्कूल एंड लाइक अ एज द थ्री डेटा एसक्यूएल एसक्यूएल के अंदर मैंने यहां पे टेबल क्रिएट करी आई एम जस्ट क्रिएट अ वन टेबल इन अब मैंने एसक्यूएल के अंदर यहां पे एक टेबल क्रिएट करी और इस टेबल को मैंने जो यहां पे नेम दे दिया वो दे दिया एन ए एम ई नेम एज और फोन नंबर दैट मींस कि यहां पर जो मेरी टेबल बनी हुई है सो इस लोकेशन पे लाइक द नेम इज यूजर वन दिस इज लाइक अ नेम इज यूजर टू एंड दिस इज लाइक अब गाइज साहब मेरे को बताइए की आर डी एस के अंदर कौन सा डेटा आपका अपलोड होगा डेटा कौन सा वाला यूजर टू यूजर वन या यूजर थ्री यूजर वन का ही होगा डेफिनेटली की यहां पर मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया नेम एज फोन का तो यहाँ पर मेरे पास एज और नेम है फोन का है ही नहीं यहाँ पर मेरे पास नेम और एज है स्कूल है ही नहीं बट मेरे पास ये तीनों फॉर्मेट मेरे स्ट्रक्चर है दैट मीन्स कि आर के अंदर ये अपलोड होगा एस थ्री के अंदर गाइस एस थ्री के अंदर तो जो मर्जी जो डेटा एस थ्री के अंदर तीनों ही स्टोर हो जाएंगे भी हो जाएंगे और डायनामो डीबी के अंदर इन इसमें भी तीनों हो जाएंगे तीनों हो लॉजिक इज क्लियर विवेक सेव, आयुष, दिग्विजय ललित टूडे आई एम जस्ट स्टार्ट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोरेज टू क्लासेस हमारे लगेंगे देन नेक्स्ट कमिंग वीकेंड आई एम जस्ट फिनिश फॉर for SQL एंड EFS।

देन आई एम कनेक्ट दिस स्टोरेज विद ईच अदर्स और इन दोनों स्टोरेज अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा नव आई एम क्रिएट अ दिस स्टोरेज अकाउंट एंड आई एम क्रिएट अ वन मोर स्टोरेज अकाउंट नव आई एम कनेक्ट कि मैंने जो ये स्टोरेज अकाउंट बनाया एम क्रिएट इन अ मुंबई

जिसको गाइज हम सोर्स बोलते हैं और उसी की मैं एक क्या कर रहा हूं बैकअप स्टोरेज बना रहा हूं जिसको मैं बोलता हूं डेस्टिनेशन नाउ माय कंसर्न कि इफ एनी यूजर लाइक दिस इज अ वन यूजर and this username is uh, look like a lalit and the one user is create a file like a this is a file of data this is a file of data wait guys File is data, and now I'm just upload this file. Lalit upload this data in a in this location. Now Lalit upload this data like uh, this file is come to this location. The automatically this file replicate. माई सिंगापुर लोकेशन वट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता हूँ तो बेनिफिट क्या होगा मेरा प्राइमरी फेल हो गया डिलीट हो गया कुछ भी तो डेस्टिनेशन से हम बैकअप ले सकते हैं उस में. बिल्कुल परफेक्टली यही आंसर है अभी तक का सिनेरियो समझ में आया हम क्या करने वाले एवरी वन तो मैंने रेप्लीकेशन मैने रेप्लीकेशन इसलिए इनेबल करा है डेरेक्ट डेटा वन लोकेशन टू अनाबल बैप्लीकेशन इनेबल करोगे ना तो ऑलवेज इनेबल अ वर्जनिंग आपको वर्जनिंग इनेबल करनी पड़ेगी इट्स अंडेटरी इनेबल अ वर्जनिंग इट्स अ मंडेटरी वर्जनिंग क्या है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा नाउ मैं अब इस पर एक और चीज एड ऑन करना चाहता हूँ अकाउंट एंड नाउ द अटैच दिस सर्विस विद माय मेल बॉक्स सपोज करो दिस इज माय जी मेल मेल बॉक्स एंड नाउ आई एम जस्ट अटैच दिस सर्विस इज वन साइड इज मेल बॉक्स एंड सेकेंड साइड विद स्टोरेज अकाउंट

अगर कोई भी आपकी प्राइमरी बकेट के अंदर डेटा अपलोड करता है तो मेरे को एक अलर्ट मिल जाए कि मेरा जो डेटा है वो किस टाइम पर पर्टिकुलर किस लोकेशन से और किस सिस्टम से अपलोड हुआ है तो अगर आप अपने डेटा के अंदर किसी भी टाइप्स की चेंजेस करते हो डिलीट करते हो मॉडिफिकेशन करते हो लुक लाइक आपका बैंक अकाउंट कि आपने बैंक अकाउंट पे आपका क्रेडिट डेबिट हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है तो ओटीपी आता है ना भी अपने स्टोरेज के साथ अटैच कर रहा हूँ कि इफ एनी मॉडिफाई और एडिट एंड अपलोड द अपलोडा अगर वो कुछ भी मेरे डेटा के साथ करता है तो मेरे को उसके अलर्ट मेरे को मेरी मेल बॉक्स पर मिल जाए लुक लाइक एक लॉक फॉर्मेट में लाइक दिस फाइल लाइक का ललित ने करा तो मेरे को ललित का आईपी पता लग जाए उसकी लोकेशन पता लग जाए कि पर्टिकुलर किस लोकेशन से मेरा वो डेटा अपलोड करा जा रहा है गॉट इट दिन वन इज इट क्लियर कॉन्सेप्ट आयुष दिग्विजय ललित विवेक नाउ द वर्जनिंग वर्जनिंग का मतलब है गाइज वर्जन कंट्रोल वर्जन कंट्रोल का मतलब है कि सपोज करो कि आपने पहले कोई फाइल बनाई उसके अंदर कोई डेटा रखा और अपलोड इन स्टोरेज देन सेम फाइल में आपने एडिटिंग करी देन अगेन अपलोड इन ए स्टोरेज सेम फाइल में फिर से आपने एडिटिंग करी तो गाइज आपने क्या करा पहली फाइल में लिखा वन टू थ्री दूसरी फाइल में आपने जब लिखा फोर फाइव सिक्स तो ये क्या करेगा कि वन टू थ्री नाम की फाइल को अलग प्लस फोर फाइव सिक्स फाइल को अलग और फिर आपने नेक्स्ट टाइम लिखा सेवन एट नाइन तो जब आपकी जो फाइनल जो यहां पर फाइल दिखेगी स्टोरेज के अंदर तो आपकी यहां पे जो कॉमन फाइल दिखेगी वो फाइल दिखेगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बट अगर मैं देखना चाहता हूं कि सपोज करो डे वन डे टू एंड दिस इज अ डे थ्री अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि लाइक like, ललित ने डे टू में क्या काम करा तो मैं इंडिविजुअली यहां पर इस वर्जन आईडी से देख सकता हूं कि सेकंड डे में रवि ने या ललित ने क्या काम करा इट्स वर्क ओनली फोर फाइव सिक्स इट या थर्ड डे क्या काम करा सेवन एट नाइन या वन डे क्या करा वन टू थ्री हो सकता है कि रवि क्या तीनों काम एक ही दिन करके गया हो दो दिन काम ही ना कराओ और बोला नहीं सर मैंने आज ये काम करा तो so मैं वर्जन कंट्रोल्स क्या इट्स ट्रेस यूर डेटा एक्टिविटी

Chale, so now we have start the practical Aur S3 storage ko guys, hum par bolte hai, bucket. S3, the other name is a bucket. So how to create a bucket? So I'm created two buckets in two different regions. I'm just go to the portal and search S3 storage. देन आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ क्रिएट अ बकेट व्हेन आई एम क्रिएट अ बकेट आई एम जस्ट गिव द नेम इज लाइक अ माय ओ स्टोरेज वन इन स्मॉल कैरेक्टर लोकेशंस यू कैन डिप्लॉय बकेट्स इन विच रीजन क्योंकि गाइस देखिए यहां पर आपका ग्लोबल लिखा आ जाएगा तो यहां पर आपके रीजन नहीं आएंगे बकेट सभी मैंने बोला इज ऑलवेज यूनिकायर एडब्ल्यू एस के अंदर वो उस नाम से बकेट नहीं होनी चाहिए लुक लाइक अगर आप जीमेल की आई डी बना रहे हो तो सेम नाम से पूरे इंटायर जी मेल के अंदर नहीं होनी चाहिए सेम एज स्टोरेज आई एम सिलेक्ट अ मुंबई लोकेशन एंड आई एम जस्ट गिव द दिप यानी कि एक्सेस यानी कि बकेट पे काम करने के लिए पब्लिश के लिए सो आई एम जस्ट इनेबल अ एंड ऑब्जेक्ट राइट एंड गिव द पब्लिक एक्सेस अगर आप पब्लिक एक्सेस नहीं देंगे तो आप अपने बकेट का डेटा कहीं पर एक्सेस नहीं करा पाओगे यानी कि एडमिन तो देख सकता है बट आपकी बकेट्स को कोई किसी और को आप लाइक like जैसे गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करते हैं ना तो अगर आप यहाँ पे भी चाहें तो अपने डेटा किसी को एक्सेस कराना चाहते हो तो आप उसका ड्राइव का लिंक शेयर कर सकते हो बट अगर वो आपका मेकअप पब्लिक नहीं होगा पब्लिक राइट्स नहीं होंगे तो वो डेटा आपका एक्सेसिबल नहीं होगा दैट्स एम इनेबल राइट्स So, आप ये अंदर से भी कर सकते हैं तो सेकंड बकेट में मैं एक बार मैं यहां से बता रहा हूं सेकंड वाले में मैं आपको दूसरे तरीके से यही ऑप्शन बताऊंगा एग्जिस्टिंग पर नाउ द इनेबल अ वर्जनिंग सो द वर्जनिंग इज टू कीप अ मल्टीपल वेरियंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम बकेट सो नाउ क्लिक ऑन इनेबल एंड क्रिएट बकेट सो माई स्टोरेज वन के नाम से है नाउ एम जस्ट क्लिक द माई स्टोरेज फाइव एंड क्रिएट बकेट

diagram one there now I'm just create a by backup in a singapore location and I I'm not giving any ACL rights okay I'm not giving any block all access now the public I'm not able the versioning and now create bucket up guys they get dono buckets may difference yeah bucket my difference hai ki if I'm just click up uh, my storage five buckets यू कैन सी दिन मैंने इस वर्जनिंग हुई है तो यहाँ पे शो वर्जन का ऑप्शन आ रहा है आपके पास कोई शो वर्जन का ऑप्शन नहीं आया नो वर्जनिंग ऑप्शन इज एनेबल इन दिस बकेट दैट मीन्स की ये वर्जन कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगी यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई भी डेटा अपलोड करते हैं तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे आपकी चेंजेस को पॉइंट एवरी वन बट अगर मैं इस पर वर्जनिंग इनेबल कर दूंगा तो क्या होगा ये हो जाएगा नाव की अब कि अगर आप रेप्लीकेशन करेंगे तो फॉर रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन वर्जनिंग इज रिक्वायर्ड सो so हाउ टू इनेबल रेप्लीकेशन आई एम जस्ट गो टू माई स्टोरेज फाइव बट रेप्लीकेशन के लिए आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आपकी सारी की सारी बकेट पे वर्जनिंग इनेबल होनी चाहिए तो नाव आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ बब्लिक

और यहां से मैंने क्या करा इस बकेट को पब्लिक एक्सेस भी अलाउ कर दिए तो बहुत ऑप्शन हैं आपके पास कि आप चाहे अपनी बकेट्स की पॉलिसीज को को परमिशन आप बकेट्स बनाते वक्त भी इनेबल कर सकते हो वर्जनिंग भी इनेबल कर सकते हो या इधर कोई एग्जिस्टिंग बकेट बनी हुई है आप उस तरीके से भी इस पर इनेबल कर सकते हो गॉट इट द पॉइंट एवरी वन हाउ टू क्रिएट बकेट एंड हाउ टू इनेबल अ वर्जनिंग एंड हाउ टू इनेबल एक्सेस पॉलिसी इज इट क्लियर

You can get start the application part for this. So i source to destination. So I'm just go to the source bucket with my storage. Now click on a management and then click on a application, the creator application. Give the application is like M U M B A I Mumbai hyphen two hyphen Singapore.

So, guys, I'm enable our applications. So, guys, it's the Yes, replace the existing object. You can enable one time batch operation job for the application commit to replicate. The so existing replication object that already exists in the bucket and synchronize the source and destination bucket. No, do not replicate existing object. So, yes, replicate. तो so, वो चाह रहा है कि ऑलरेडी अगर पहले से कोई पड़ा ऑब्जेक्ट है तो आप उसको रेप्लीकेट करना चाहते हो सर दिस इज अव ऑप्शन अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे गाइस तो उसमें ये ऑप्शन ही नहीं आता था यानी कि आपका बकेट एप, एप्लीकेशन इनेबल करने के बाद जो डेटा आप अपलोड करेंगे वही ही रेप्लीकेट होगा बट या उन्होंने पूछ रहा है कि क्या आप एग्जिस्टिंग जो पहले से पड़ा है उसको भी रेप्लीकेट करना चाहते हो नहीं तो मैंने कर दिया येस कि अगर मेरी बकेट के अंदर कोई डेटा है तो आप उसको भी रेप्लीकेट कर दें बट मेरे पास कोई डेटा था ही नहीं एशिया पैसेफिक सिंगापुर मुंबई टू सिंगापुर फाइव के नाम से मैंने एक रेप्लीकेशन क्रिएट कर दिया है नाओ गाइज की अब मेरा एक और ऑप्शन आता है कि मैं चाहता हूँ अलर्ट्स की मैं अगर कोई भी स्टोरेज अकाउंट के साथ कोई भी डेटा वगैरह अपलोड करता हूँ तो मेरे को उसके अलर्ट्स भी मिले So, उसके लिए मुझे कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी एसएनएस सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस तो अगर आपको कहीं पर भी नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो यू यूज एस एन एस सर्विस इन साइड इज अवेलेबल एंडीट तो एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन में डिलीट कर रहा हूँ एंड वन टॉपिक इज क्रिएटेड एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन आर डिलीट

सो चॉइस इज कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं बट आई एम यूजिंग इन अ स्टैंडर्ड कि मैं चाहता हूं सीक्वेंस में ना मिलके अनसीक्वेंस मेरे को अलर्ट्स मिलने चाहिए चाहे कोई भी पहले मिले आई एम गिव द नेम इज लाइक स्टोरेज ए एल ए आर टी अलर्ट सो आई एम जस्ट गिव द माई एस एन एस सर्विस नेम और मैं चाहता हूं कि मेरे पास मेल यानी कि डिस्प्ले नेम का मतलब है मेरे पास मेल किस नाम से है तो मैं चाहता हूँ माई स्टोरेज अलर्ट के नाम से ही मेरे को मेल भी हो यानी कि जो सब्जेक्ट में वहां पे लिखा आएगा नाउ द द एक्सेस पॉलिसी आई एम जस्ट गिव कैन पब्लिश जो भी सब्सक्राइबर्स हैं सो मैंने एवरी वन कर दिया यहाँ पे एंड क्रिएट अ टॉपिक सेकेंड की अब ये टॉपिक तो बना दिए बट ये अलर्ट आपको कहां पे मिले सो so उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन एंड क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन एंड सिलेक्ट अ टॉपिक जो मैंने बनाया और दिस इज अ प्रोटोकॉल क्या आप चाहते हो कि एमेजोन की एसक्यू एस सर्विस पे आपको अलर्ट्स मिले हैं यान कर रखा है या ई so मेल पे कर देता हूँ जी मेल डॉट कॉम मैं चाहता हूँ अलर्ट मिले हैं वो मेरी मेल आई डी पे मिले सी पी इन एट जी मेल डॉट कॉम एंड नाउ क्रिएट अब्सक्रिप्शन

ICCp in 40 एस टेक और देखिए यहां पर मेरे पास एक अलर्ट मैसेज आ रखा होगा माई स्टोरेज अलर्ट के नाम से आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस माई स्टोरेज अलर्ट एंड कंफर्म सो आफ्टर कन्फर्म दिस सब्सक्रिप्शन यू कैन सी कि अब यहाँ पे पेंडिंग की जगह मैं रिफ्रेश करता हूं सो यहाँ पर एक्टिव लिखा जाएगा स्टेटस कन्फर्म गॉट एट द पॉइंट ना कि मैंने एस एन एस सर्विस बना ली अपनी और एस एन एस सर्विस को मैंने क्या करा आई एम जस्ट अटैच दिस एस एन एस सर्विस मैंने इस सर्विस एक डिप्लॉय करी है यहाँ पर और इस एस सर्विस को मैंने एक तरफ अटैच कर दिया है मेल बॉक्स से नाउ सेकेंड टाइम मैं अटैच करूंगा इसको पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट से एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपका स्टोरेज अकाउंट और आपका एस सर्विस सेम ही रीजन में होने चाहिए बहुत आर वर्क इन सेम रीजन यानी कि अगर आप अपना इस बकेट के अंदर कोई भी डेटा अपलोड करेंगे तो इस बकेट के कोई भी अलर्ट्स आपको इस एस एन एस सर्विस से नहीं मिलेंगे क्योंकि आई एम डिप्लॉय दिस सर्विस इन मुंबई सेम एज आई एम जस्ट क्रिएटेड दिस बकेट फॉर मुंबई तो ये तभी आपके आपस में फैच करेंगे दोनों सेम ही रीजन में होना चाहिए बट दिस स्टोरेज इज अवेलेबल इन सिंगापुर अगर आप चाहते हैं कि इसका भी मिले तो उसके लिए आपको सिंगापुर लोकेशन पे भी क्या करना पड़ेगा समझ गए गएंगे so, तो कहीं पर भी अगर नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा तो वहां पर आपके पास एस एन एस सर्विस के ऑप्शन भी मिलेंगे सो नाउ आई एम जस्ट गो टू बकेट एंड क्लिक ऑन अ बकेट सो आई एम जस्ट क्लिक क्लिक ऑन एस थ्री एंड आफ्टर क्लिक ऑन एस थ्री एंड जस्ट गो टू माई स्टोरेज फाइव एंड देन गो टू द बकेट प्रॉपर्टी एंड जस्ट गो टू द प्रॉपर्टी और यहां पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा इवेंट नोटिफिकेशन this is option is event notification now i am just create event notification give the event notification name is like a my alert you can give the any name kis cheez ka like koi bhi object aap create karte ho koi bhi object remove karte ho koi bhi object जो भी आप काम करना चाहते हैं events की यहां पर है इन सारी चीज के आपको अलर्ट देगा So चॉइस इज योर now. किसके थ्रू चाहते हो एस एन एस टॉपिक के थ्रू तो सिलेक्ट दाई स्टोरेज अलर्ट के नाम से मैंने बनाया था एंड नाउ सेव चेंजेस और जैसे ही मैं ये एस सर्विस अटैच करूंगा अपने स्टोरेज अकाउंट के साथ सेंड मी अलर्ट यहां पर इसने मेरे को एक अलर्ट भेज देगा तो so... आई एम जस्ट डिलीट दिस ऑल एस एन एस सर्विस आई एम डिलीट दिस वन एंड देखिए यहाँ पे प्रमोशन के अंदर माई स्टोरेज अलर्ट के नाम से आ रहा है कहां गया शो तो हो रहा था ये रहा and abika recently jo maine confirmation liya 560 minutes so now i'm just back to and uh, ab testing like uh, this is a physical system of lalit lalit create a one file with the name of data and it's like write the content hi how are you and is it day

मैं ये फाइल किसी को शेयर करना चाहता हूं तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल एंड शेयर दिस यूआरएल इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस यूआरएल एंड शेयर विद यू अगर मैं ये यूआरएल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं गाइस प्लीज क्लिक दिस यूआरएल इट्स गिव यू द एरर अभी ये करंटली आपको क्या देगा एरर देगा दिस टाइप्स ऑफ एक्सएमएल एरर प्लीज ट्राई गाइस एरर आ सर गाइस क्यों क्योंकि अगर आपको मैं बता देता हूं कि मैंने ना जब स्टोरेज uh, बनाया था ना तो मैंने स्टोरेज को पब्लिक एक्सेस दिया था बट स्टोरेज का देख लेना आप जो भी डेटा करोगे तो उसको वो एक्सेस नहीं मिलेगा अगर आप इस डेटा को पब्लिकली एक्सेस कराना चाहते तो आपको इस डेटा को भी पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा तो नाउ आई एम जस्ट गो टू स्टोरेज अकाउंट एंड सिलेक्ट द फाइल एंड गो टू द ऑब्जेक्ट एंड मेक अ पब्लिक फेल टू एडिट अ पब्लिक एक्सेसिक राइट वो कह रहे हैं आपके पास तो नहीं है चलिए एक्सेस फोर इके यहाँ तो मेरे पब्लिक एक्सेस मैंने दिए हुए हैं तो मैं बकेट पे जाता हूं एंड आई एम जस्ट गो टू ये तो हमारे उसके है ना एम गो टू द माई स्टोरेज फाइव देन गो टू दर्मिशंस और यहाँ पे देखिए ब्लॉक एक्सेस हो रहा है एडिट और यहाँ पे मैं इसको अनब्लॉक कर देता हूं सो so, मैंने बताया था कि आप बकेट बनाते वक्त भी ऑप्शन होता है और नाउ गाइस अब मैं अगर एस स्टोरेज पे जाके क्लिक करता हूं और जाने के बाद इस कंटेंट को मैं कर देता हूं एक्शन में जाके मेकअप पब्लिक नाउ इट सक्सेसफुली इनेबल और अब आप गाइज रिफ्रेश करिए अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यू कैन सी हाई हाउ आर यू डे वन गोड इट नाउ ललित आता है सेकेंड डे अब काम करता है सो नाउ द सेकंड आई एम जस्ट क्लिक एंड इट्स वर्क इज लाइक अ हेलो हाउ आर यू डे टू डे टू में ये काम कर रहा है यानी कि उसने आगे एक ही लाइन तो लिखी थी अब यहाँ पे क्या होता है ऑटोमेटिकली ना इंक्रीमेंटल बैकअप चलता है यानी कि वो सिर्फ डिफरेंट को हम करते हैं कि सेम नाम से कोई फाइल कॉपी पेस्ट करते हैं सो so रिप्लेस का है, उस चीज का एरर देता है ना इट्स नॉट गिव यू दिस टाइप्स ऑफ एर ना एम जस्ट क्लिक ऑन अपलोड आप देखिए यहाँ पर अभी जो करेंट फाइल साइज है इट्स इट्सटीन बाइट बाइट ना एम जस्ट क्लिक ऑन अपलोड एंड एड फाइल्स एंड देन सेलेक्ट अ डेटा फाइल अगेन अपलोड गए मेरी सेकेंड फाइल आ गई लेकिन अब सेकेंड फाइल आ गई ना और यहाँ पे आप देखिए रिफ्रेश करिए तो क्या हो गया डिनाई हो गया वाय क्योंकि गैस अब आप आपने जितनी बार भी आप फाइल अपलोड करोगे तो एक नया वर्जन आई डी जनरेट होगी नया वर्जन आई डी होगी यानी कि अगर आप अपना सारा डेटा दिखाना चाहते हो तो आपको हर बार उसको मेक पब्लिक करना पड़ेगा अगर आप पब्लिक एक्सेस देना चाहते हो ना आई एम जस्ट टेक अ मेक पब्लिक और और अब आप रिफ्रेश करिए इट शो हाउ 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 आर आर यू यू डे डे टू गॉट इज द पॉइंट अब मैं देखना चाहता हूं कि डे वन क्या काम करा क्योंकि ये तो दोनों वर्क आ रहे हैं ना मैं चाहता हूं डे वन सो डे वन में तो ऊपर वाला ही काम कर रहा था लेकिन मैं अगर उसी वर्क को देखना चाहता हूं कि आज से पांच मिनट पहले क्या वर्क करा है ललित ने सिंपल सा है आई एम जस्ट गो टू बकेट एंड क्लिक ऑन वर्जन सो मैंने दो बार फाइल अपलोड करी है ना तो so, देखिए दोनों फाइल्स वो आपको यहां दिखा रहा है मैं अगर इस पुरानी वाली फाइल पे क्लिक करूंगा एंड देन क्लिक ऑन दिस यूआरएल और पहले मैं इसको मेकअप पब्लिक कर देता हूँ गाइस एंड नाउ क्लोज And अब मैं अगर इस यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट करता हूं सो दिस इज अ फर्स्ट वर्क सो दिस बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर वर्जनिंग नाउ कि अब कोई यूजर है गलती से डेटा को कर देता है डिलीट डेटा लॉस अब क्या होगा आप कैसे रिकवर होगा सो so, अगर आपको पता हो कि मैंने रेप्लीकेशन इनेबल करा हुआ था यस और नो गाइस, सो यानी कि मेरे को अगर देखना है मेरा रेप्लीकेशन वर्किंग है नहीं तो वो फाइल मेरी यहां पर होनी चाहिए आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस बैकअप ये देखिए डेटा वन फाइल ऑलरेडी है इन बैकअप और अगर आप इसकी वर्जनिंग भी देखना चाहते हो तो so, आप देख सकते हो शो वर्जन क्लियर और मुझे फाइल को ओपन करना है मैं यहां से फाइल को ओपन करके देख सकता हूं तो मेक पब्लिक के राइट्स मुझे देने पड़ेंगे फिर से परमिशंस तो पहले मुझे बकेट्स को राइट देने पड़ेंगे गाइड सो आई एम जस्ट गो टू द प्रॉपर्टी मतलब डेटा आ गया तो ओपन हो ही जाएगा इज इट क्लियर गाइड ये सारा सिनेरियो क्लियर हुआ यस yes, सर अब यहां पर एक और चीज जो अभी तक हमने चेक नहीं करी है वो क्या पॉइंट है एस एन एस यानी कि मैंने जो भी डेटा अपलोड कराया है और डिलीट कराया है उसके अलर्ट्स मेरे को मिलने चाहिए यही मैंने बोला था मेरी मेल बॉक्स में पर्टिकुलर किस टाइम पे हुआ है और क्या फाइल का साइज है और किस आई से होता है यू कैन सी द आई आईपी आई एम जस्ट गो इन गूगल माई पब्लिक आई तो गाइस कोशिश करना कल कर आप लोग लैपटॉप पे लॉगिन इन हो सो मैं आप लोगों के लैपटॉप को कनेक्ट कराऊंगा सभी के माई आईपी सो यू कैन सी गाइस 122 ट्वेंटी टू कहा गया भाई दिस इज माई पब्लिक आईपी नाइन वन जीरो माई और यहाँ पे देखिए कि मैं जाता हूं प्राइमरी में यहाँ पे देखिए मेरे पास छह अलर्ट आ रखे हैं पहला अलर्ट आ रखा है एडब्लू एस रीजन एपी साउथ वन दिस इज अ टाइम जोन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यानी कि पुट पर्टिकुलर सोर्स आईपी एड्रेस किस लोकेशन से जहां पर ये आईपी है ऑब्जेक्ट नेम इज डेटा तो यहां पे आ रहा है क्रिएटेड दोबारा से सेम ही आईपी से दोबारा से हुआ है बट अगर मैंने यहां पे क्या करा है अपना डिलीट भी करा था तो ऑब्जेक्ट डिलीट का भी ऑब्जेक्ट इज वेट वेट यहां पर ऑब्जेक्ट इज रिमूव डिलीट पर्टिकुलर सेम आईपी पी से डेटा नेम डेटा दिस वन क्लियर द गाइस लॉग समझ में आ रहे हैं गाइस प्लीज रिप्लाई यस सर यस सर तो नाउ द क्लियर दिस ऑल कॉन्सेप्ट ऑल Thank you for today's yes, session. Sir.